हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज सिंह प्रयागराज। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी आरटीई के तहत निजी स्कूल यानी कि प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, उसका थर्ड राउंड आपका दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों अगर बात करें एडमिशन 2024-25 की, तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड भी आपका कंप्लीट हो गया और ये लास्ट यानी कि थर्ड राउंड आपके शुरू हो चुके हैं। इसके फॉर्म आपके ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस डेट से किस डेट तक फॉर्म भर जाएंगे, रिजल्ट इसका फाइनली कब आएगा, ठीक है, फॉर्म आपको कैसे भरना है, ए टू जेड सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आइए फटाफट दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले को तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू, यानी कि दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड जो आपके चरण है वो यहाँ पे समाप्त हो चुके हैं और ये थर्ड राउंड है दोस्तों और ये लास्ट है, ठीक है। इसके पहले भी मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार सूचित किया, कई लोगों का यहाँ पे बच्चों का एडमिशन भी हो चुका है, लेकिन अगर अभी तक आपको जानकारी नहीं थी, आपने मिस किया है, तो अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं। भले ही आपने बच्चे का एडमिशन करा दिया है, चाहे उसी स्कूल में या दूसरे स्कूल में, तो आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे नीचे, यहां पे आप देख पा रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीआई के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए सोमवार से तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 8 मई तक अभिभावक अपने बच्चों का नर्सरी व कक्षा एक में प्रवेश कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। फिर सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए 15 मई तक आवेदन फॉर्मों का यहाँ पे सत्यापन करेंगे। तो क्लियर हो गया, यानी कि दोस्तों आप लोग अपने बच्चों का जो एडमिशन है ऑनलाइन फॉर्म है वो दोस्तों आप 8 मई तक भर सकते हैं। 15 मई को जो दोस्तों आपका फॉर्म चेक होगा बीएसए के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए 16 मई को दोस्तों यहाँ पे दाखिले के लिए जो आपकी लॉटरी है वो यहाँ पे दोस्तों निकाली जाएगी। अभी तक दो चरणों में 1.29 यानी कि 1,29,000 बच्चों को निजी स्कूल में सीटें आवंटित हो चुकी हैं, यानी कि दोस्तों 1,29,000 बच्चों का यहाँ पे एडमिशन हो चुका है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक समग्र शिक्षा डॉक्टर मुकेश सिंह के मुताबिक अभिभावक अपनी वेबसाइट यहाँ पे देख पर rt.upsdc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको किस वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म भरना, कैसे भरना है, अभी वो भी हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं। नीचे बात करें, गरीब परिवार के बच्चों को नर्सरी व कक्षा एक में न्यूनतम 25% सीटों पर दोस्तों यहाँ पे आपके जो है आवेदन इसके तहत होते हैं, ठीक है। सभी जिलों में बीएसए कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदन फॉर्म भरते समय अगर अभिभावक से कोई गलती हो रही है या फिर फॉर्म में जरूरी दस्तावेज कम है तो उन्हें एक अवसर देने का आदेश भी यहां पे दोस्तों दिया गया है। बावजूद इसके पहले दूसरे चरण में आए कुल 2,76,000 फॉर्मों में से 69,749 आवेदन फॉर्म निरस्त किए जा चुके हैं, यानी अब तक कुल आए आवेदन फॉर्म में 25% फॉर्म किसी न किसी गड़बड़ी के चलते रद्द किए जा चुके हैं। वहीं 56,000 निजी स्कूलों में दोस्तों आपकी जो फॉर्म है, फॉर्म की सीटें हैं उसमें ये 5,25,000 सीटें हैं जो अभी तक, ठीक है, उसमें अभी कुल दोस्तों 1,29,000 सीटें अभी तक आवंटित हुई है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे डेट 8 मई तक आवेदन, 16 मई को निकाली जाएगी लॉटरी। तो दोस्तों ये पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जिलों के लिए है। किस स्कूलों में एडमिशन होगा पहले ये समझ लीजिए। तो दोस्तों यूपी बोर्ड के स्कूल जो होते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो, उसी में एडमिशन होगा। आईसीएसई बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में दोस्तों ये एडमिशन नहीं होंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, डॉक्यूमेंट की अगर दोस्तों बात करें तो इसके लिए संपूर्ण वीडियो दोस्तों मैंने इसी चैनल पर बना के डाला है, आप आरटी सर्च करेंगे सारा डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा। फॉर्म आपको किस वेबसाइट से भरना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आप दोस्तों वीडियो पर बने। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको फोन पे गूगल ओपन करना है, उस पर टाइप करना UPRTE, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सर्च वाले ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक करना है, नीचे आना है, यहाँ पे RTE UP वाले ऑप्शन पे आपको दोस्तों क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार। क्लियर हो गया। अब देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपके दोस्तों फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर्म आपका भरने के लिए सबसे पहले करना क्या, किस ऑप्शन में आपको जाना है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल आप दोस्तों बने रहें। सबसे पहले इसको हम डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लेते हैं, तभी यहाँ पर दोस्तों पूरा प्रोसीजर वो शो होगा। इस वाले ऑप्शन पर बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे कुछ इस तरह से वेबसाइट नजर आएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, देखिए फॉर्म भरने के लिए आपका ऑप्शन ओपन हो गया। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। अब देखिए इसकी जो पूरी प्रक्रिया फॉर्म भरने की और फाइनल प्रिंट तक का मैंने दोस्तों
दोस्तों एक वीडियो बना के इसी चैनल पर डाल दिया है, ठीक है। तो आपको फॉर्म घर बैठे फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पहले कंप्लीट प्रोसेस आपको देख लेना है, उसके बाद आप फॉर्म भरें ताकि कोई गलती ना हो। अच्छा, वीडियो देखने के लिए दोस्तों उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उस पर क्लिक करके आप देख पाओगे कि फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना कैसे है। तो इस तरह से ये रही दोस्तों आपकी अपडेट, तो आप लोग फटाफट जरूर अप्लाई करें। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया ट्राई आप लोग जरूर करें, इस पर आपका दोस्तों एडमिशन फ्री, मंथली फीस फ्री, सारी चीज़ें दोस्तों इसमें आपकी फ्री होती हैं। ये किसी भी प्रकार का आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपका दोस्तों, कोई क्वेरी है, तो आपको अगर मुझसे डायरेक्टली बातचीत करना है तो दोस्तों जो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली बातचीत करके अपने डाउट्स जो है आप लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।